मैंने अपनी लाइफ में कभी सोचा नहीं था कि मैं ट्रिगर्ड इंसान से मिलूंगा एंड यूट्यूब कभी मुझे नोटिस भी करने वाला है। अच्छा आप सभी को मालूम है गाइस, मैं यूट्यूब पे गेमिंग के कंटेंट डालता हूँ एंड उसमें कुछ फनी करने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे इसके हिसाब से लगा था कि अगर मुझे यूट्यूब इंडिया कभी नोटिस भी कर लिया, जो कि मैंने कभी सोचा नहीं था, तो वो कोई मुझे मोर्टल स्काउट ये लोगों से मिलाएगा। लेकिन मैं ट्रिगर्ड इंसान से मिला एंड ये कभी मिला गाइस, जब भी ट्रिगर्ड इंसान का भाई यानी कि फुकरा इंसान ने बिग बॉस OTT सीजन 2 में एंट्री मारा। तो मुझे लगा गाइस कि जिंदगी जब वो चांस दे रही है मुझे, तो व्हाई शुड आई गो बैक। देन गाइस मैंने डिसाइड किया कि मैं बिग बॉस देखूंगा। अब मैं यूट्यूब से इतना करोड़ रुपए कमा रहा हूँ कि मैं बिग बॉस जैसे छोटी चीज पे क्यों पैसे लगाऊं। फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया कि बिग बॉस कैसे फ्री में देख सकते हैं। तो मुझे पता चला गाइस कि इसके लिए मुझे जियो सिनेमा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम और आ गई, मैंने जियो का सिम कभी यूज ही नहीं किया। फिर मुझे लगा गाइस कि अपने को ट्राई करके देखना चाहिए एंड यहाँ पे गाइस मैंने जियो सिनेमा ऐप डाउनलोड किया एंड ट्राई करके देखा। फाइनली मेरा लॉगिन भी हो गया एंड मुझे एक्सेस मिल गया फ्री में। तो यहाँ पे गाइस मेरे फाइनली करोड़ रुपए बच गए एंड मुझे फ्री में जियो सिनेमा पे बिग बॉस सीजन 2 OTT देखने को मिल रहा है। तो अगर आपको लग रहा है कि मैं बिग बॉस देखने में काफी बिजी हो गया हूँ एंड काफी इंजॉय कर रहा हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ के कंटेक्स्ट कुछ बोलते हैं एंड यहाँ के जो जज है उनको देख के तो मेरा माथा ही घूम गया। कुछ भी मुझे नहीं मालूम कि इनके हर सीजन में ऐसा ही होता है, लेकिन इस सीजन में जो इंट्रो था वो कम्प्लीटली अपोजिट था इनके कंटेंट में। और मुझे अभी पता चला इसकी बिग बॉस को फैमिली लोग भी देखते हैं। अब इससे बड़ी दुख की बात और क्या ही हो सकती है। वाह, पहले तो फैमिली में कलेश होते थे, लेकिन अब एक पूरी फैमिली बैठ के दूसरे फैमिली का कलेश देखेगी एंड वो फिर अपने फैमिली का जो कलेश है वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेगी।